अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी एंड टेस्टी इडली विद परफेक्ट मेजरमेंट। बहुत ही इजी है इडली बनाना, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगी। सबसे पहले एक बाउल लीजिए, उसमें 1 कप उड़द दाल ले। इसमें हम डालेंगे 2 कप्स राइस, चावल। मैंने कोलम वाले चावल लिए हैं, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं डेली यूज़ के लिए, वही चावल आप यूज़ कीजिए। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना। इट्स एन ऑप्शनल, अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिएगा, पर इससे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से 2 टाइम वॉश करके लीजिए सारी चीज़ें। अभी अच्छा पानी डालिए और उसको ओवरनाइट रात भर भिगो के रखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको सिर्फ एक बार अच्छे से वॉश करके लें। मिक्सर जार में हम इसको ग्राइंड करके लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और उसको ग्राइंड कीजिए। टोटल मैंने 1.5 कप पानी यूज़ किया है। अगर आपको कम पानी लगे तो नो प्रॉब्लम, अगर 1 कप पानी लगे तो 1/2 कप पानी और ऐड कीजिएगा बैटर में। इट्स अ वेरी स्मूथ बैटर। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। अभी हम इसमें डालेंगे 3.5 टीस्पून सॉल्ट, नमक। मिक्स इट वेल नाइसली, अच्छे से मिक्स करके लीजिए। कवर ली, ढक्कन लगाइए और इसको 8 आवर्स या ओवरनाइट के लिए हम रूम टेम्परेचर पर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आफ्टर 8 आवर्स लेटर ओपन एंड चेक इट, इट्स वेरी क्रीमी एंड फ्लफी। ये देखिए कितने अच्छे से ऊपर फ्रोथ हुआ है, आटा आया है। मिक्स इट वंस नाइसली, अच्छे से एक बार मिक्स करके लीजिए। ये देखिए कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इडली स्टीमर लिया है मैंने, थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको स्टीम करने के लिए रख दीजिए। ऑयल से थोड़ा थोड़ा ब्रश करेंगे हम इडली स्टैंड को। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से ब्रश करके लीजिए इडली स्टैंड। ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा बैटर डालती जाइए इडली स्टैंड में। फिर हम उसको स्टीम करने के लिए स्टीमर में डालेंगे 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर। ढक्कन लगाए और उसको स्टीम कीजिए। आफ्टर 15 मिनट्स लेटर ओपन लिड एंड चेक इट। माशाल्लाह, सो सॉफ्ट, लाइट वेट, फ्लफी, टेस्टी इडलीज आर रेडी नाउ। बस 1 मिनट आप थोड़ा वेट करें और फिर आप उसको डीमोल्ड करें। ये देखिए बहुत ही ईजीली स्पून से डीमोल्ड हो जाते हैं। ऐसे ही सारे इडलीज बनाकर रेडी करके ले लीजिए। ये देखिए कितनी लाइट वेट है। सॉफ्ट सॉफ्ट इडलीज को सर्व कीजिए चटनी एंड सांभर के साथ। सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आई तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Delicious!